हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज दिन है 22 फरवरी और दिन मंगलवार है। तो आज है हमारी शादी की सालगिरह। 18 साल कंप्लीट हो गए हैं और 19 साल लग गई है। आज 18 साल पूरे हो गए हैं। तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, रात और प्यार। तो बस मैं वही आपके साथ आज सेलिब्रेट करूँगी। वैसे तो हम इतना ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जैसा भी करेंगे थोड़ा बहुत वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा प्लीज़ कि हमारी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम हो रहा है। मेरा काम सारा हो गया, क्लीनिंग वगैरह का। और बस मैं अभी नहाने जाऊंगी और मैं ये वाला सूट डालूंगी आज। तो प्लीज बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है। आज ये मैं दूसरी बार पहनूंगी तो दिखाती हूँ अभी आपको। मैंने पहना है आज ये वाला कुर्ता। प्लीज़ बताना कैसा लग रहा है, रेड कलर का। मैंने आज ये दूसरी बार पहना है और आज मुझे भी ये 1 साल के बाद मैंने दोबारा से पहना है। बहुत थोड़ा टाइट आ रहा है तो पता चलता है कि मैं मोटी हो गई हूँ। और पहले वाले कपड़े मुझे फिट नहीं आते, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर भी आज इसको पहनूँगी। इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं है। तो प्लीज़ बताना कैसा लग रहा है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं करूँगी अपने कंगन भी चेंज करूँगी। काफ़ी दिन से मैंने ये डाल रखे हैं, काफ़ी दिनों के ख़राब तो नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो चेंज कर लेते हूँ। तो ये हरी चूड़ी और ये वाले कंगन मेरी बहन ने दिए हैं, और ये हरे वाली चूड़ी जो मेरी फ्रेंड दे के गई थी मुझे, गिफ्टेड हैं दोनों ही। तो वो कंगन तो मेरे नहीं आए, छोटे आए। फिर मैंने यही वाली चूड़ी डाली, कांच की है, ग्रीन कलर की, अच्छी लग रही थी। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया चूड़ी पहने हुए, मैं हमेशा कंगन ही पहनती हूँ एक एक। तो बताना प्लीज़ कैसी लग रही हैं। और ये जो वंशिका और गए थे लड़के को सिक्का देने गए थे पक्का करने, ये वंशिका और निधि को वहाँ से कपड़े आए थे, तो जेठानी आई थी आज, वही दे के गई हैं वो। तो मैं इनको देख रही थी और फिर मैं इनको उठा के रखूँगी। रखे थे ये ऐसे, कल शाम को आई थी सॉरी वो, हाँ। और अभी मैं इनको उठा के रख दूँगी। ये अंकित का जोड़ा है और इन दोनों बहनों के सूट मिले थे वहाँ से। और जो लड़की की चूड़ियाँ आती हैं कवारी की, ये निधि की चूड़ियाँ भी आई थी वहाँ से। तो निधि को छोटी हैं, नहीं आई उसको। और निधि ने बहुत कोशिश की इनको पहनने की, लेकिन नहीं। और फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, गुंजन पहन लेगी मेरी भतीजी। तो बस मैंने रख दी हैं, ये कन्या पहनती है कोई भी पहन ले। तो अभी मैं इनको उठा के रख दूँगी बेड में, बाद में जब देखेंगे ले आ। तो बस अभी मेरा सारा काम हो गया है और आज है हमारी सालगिरह। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, आगे देखना वीडियो में। मैं आपके साथ पूरा दिन का रूटीन शेयर करूंगी आज। तो अभी नहा धो के मैं बना रही हूँ अभी चाय, जो नहाने के बाद की चाय बनाती हूँ। और डब्बे में चीनी ख़त्म हो रही थी तो मैं वही डाल रही हूँ, कि पहले चीनी डाल लेती हूँ उसके बाद फिर मैंने चाय की पत्ती डाल दी थी। और अभी मेरी चाय बनने वाली है, पक गई है। Thank you.
ये देखिए चाय मेरी बन गई है, अभी मैं इसको डालूंगी। आ जाइए आप भी पी लीजिए। और वर्षिका स्कूल जाती है, निधि और मैं और अंकित हम ही रहते हैं। अंकित का भी स्कूल दोपहर का है 1 बजे का, तो वो 1 बजे जाता है और वंशिका 1 बजे आती है। तो हम तीनों की चाय बनी है, मेरी, अंकित की और निधि की। तो मैंने चाय डाल ली है और ये मैंने शाम के लिए छोले भिगोए हैं। शाम को छोले तो बनेंगे ही बनेंगे। और दूसरा देखते हैं क्या दूसरा बस क्या है, पनीर ही बनाऊंगी मैं, और क्या बना सकती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड के यहाँ से हलवा आया था और मिठाई उनके घर पे शादी थी तो वो दे के गए थे लड्डू। तो ये मिठाई मेरी बची हुई है, बच्चों ने खा ली थी पहले ही। तो मैं नहा के नाश्ता करती हूँ, तो आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी उसके बाद, क्योंकि काम मेरा सारा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा क्या वीडियो बनाऊंगी, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और छोले मैंने उबाल लिए थे। ये मैंने 4-5 बजे ही उबलने रख दिए थे, तो हो गए हैं, ठंडे भी हो गए। और मैंने मंगवाया है पनीर और टमाटर वगैरह भी मैंने सब पीस लिए हैं, धनिया काट लिया है। काफ़ी हद तक मैंने खाने की तैयारी कर ली है, बस अब तो ये है बस सब्जी ही हमें छोंकनी है। और फिर मैं कई बार रेसिपी दिखा चुकी हूँ, तो मैंने कहा कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैंने वीडियो नई शेयर की, बनाने वाली नई बनाई। तो ये देखिए पनीर की सब्जी बनी है, छोले की सब्जी, और मैंने चावल बनाए हैं, और बस थोड़ी बहुत पूड़ी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा खाना बनके तैयार है, आ जाइए खा लीजिए। अभी मैं बच्चों को डाल के दे दूंगी खाना, खाने का टाइम हो रहा है 8:30 पौने 9 का टाइम। तो पहले मैं बच्चों को देती हूँ खाना, बच्चे खाना खा लेंगे। और उससे आगे अभी वीडियो बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है, प्लीज़ बने रहिएगा आगे की। मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं आज का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी पूरा दिन। तो बस अभी मैंने बच्चों को खाना दे दिया है डाल के, और बच्चे खाना खा लेंगे। उसके बाद जो असली सेलिब्रेशन है वो अभी रह रहा है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और अभी मैं सेक लूँगी पूड़ी थोड़ी सी, जो बच्चे खाएंगे थोड़े बहुत चावल और पूड़ी। वैसे तो बच्चे शाम को अच्छे से खुश हो के चावल ही खाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी पूड़ी भी बनाई है मैंने। और मेरा भाई भी आया हुआ है, ये मेरा भाई मेरे पास खड़ा है, कुछ बात कर रहा था, बता रहा था मुझे कुछ। तो मेरा बड़े वाला भाई है ये, और मैं बना रही थी खाना, हम बात कर रहे थे। तो बस अभी बच्चे खाना खा रहे हैं सारे मिलके, और उसके बाद और खाना पीना सब हो गया है बच्चों का, बस मैं और मेरी बहन हम ही रह रहे हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने आज फिर दिया मुझे सरप्राइज, हस्बैंड लेके आए हैं केक। तो आज बस वही केक काटने वाले हैं, इसी की कसर रह रही थी केक की। और हमारी एनिवर्सरी कंप्लीट है आज, क्योंकि सबसे लास्ट में केक ही कटता है। तो खाना पीना सब हो गया है, और वंशिका के पापा केक लेके आए थे, ये भी आज पहली बारी लेके आए हैं केक भी। और वैलेंटाइन डे पे मुझे फूल भी पहली बारी दिए थे शायद, हाँ एक बार और दिए थे, दो बार दूसरी बार दिए थे इतने सालों में। तो हमारी शादी के 18 साल कंप्लीट हो गए हैं, और 19वीं साल लग गई है आज से। तो प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा साथ सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, और हम ऐसे ही खुशी से रहें, हंसी खुशी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। हमें याद हो या ना हो हमारी सालगिरह है, लेकिन हमारे बच्चे हमेशा याद रखते हैं। तो
फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हमें खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे ही सब कुछ करते हैं। हमने ऐसे कभी भी सालगिरह नहीं मनाई है इतनी अच्छे तरीके से, केक वगैरह काट के कंप्लीट। तो ये मेरा भाई भी आया हुआ है और केक कटवा दिया है। अब पहले ही टाइम से पहले ही बच्चे बता देते हैं कि मम्मी आपका बर्थडे आ रहा है, आपकी सेल एनिवर्सरी है या कुछ भी हो। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे का बर्थडे याद रखते हैं, वैसे ही बच्चे भी उतनी ही केयर करते हैं अपने माँ बाप की। तो अब की बार मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई और बच्चों के साथ अपनी सारी खुशी बांटने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो सच में ये मेरी सबसे अच्छी सालगिरह है, पूरी सबसे ज़्यादा यादगार और सबसे बेस्ट। और बच्चों ने हमारा डांस भी करवाया था दोनों का, तो बोल रहे थे कि केक के बाद डांस चलता है, तो शुरुआत हमने ही की थी तो हम दोनों ने डांस भी किया था, प्लीज़ बताना। और उसके बाद फिर नंबर नंबर वाइज से सभी ने, जितने हम हैं सब ने ही डांस किया और बहुत ही अच्छा लगा। सच में बहुत ही खुशी हुई, ऐसी सालगिरह मैंने कभी नहीं मनाई, पहली बार मनाई और बहुत ही अच्छा। 18 साल, जो 18वीं सालगिरह है मेरी, मुझे हमेशा याद रहेगी कि हाँ मेरे बच्चों ने मिलके और सारे बच्चों ने मिलके मेरी एनिवर्सरी मनाई और काफ़ी अच्छा लगा। छोटे बच्चे होते हैं तो हमें उनका बहुत केयर करनी पड़ती है, लेकिन बड़े होके बच्चे माँ बाप के बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। तो प्लीज़ बताना वीडियो कैसा लगा और सभी ने हमने डांस किया है। और सब ने मुझे नंबर नंबर फाइव से सब ने डांस किया, अच्छे से किया, काफ़ी देर तक करते रहे और सारे बच्चे ही बहुत खुश थे। खाना पीना खा के बिल्कुल रिलैक्स होके सारा काम करके तब हमने डांस किया था। और तो प्लीज़ बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना। बाय बाय।